going to the state of Himachal Pradesh, where the battle for Mandi is heating up with each passing day. Congress candidate from Mandi, Vikramaditya Singh, is now attacking the BJP candidate Kangna Ranaut for allegedly insulting the Sanatan Dharma. While escalating the beef row, Vikramaditya alleged that Kangna was promoting a food that has no connection with the Sanatan Dharma and was insulting Indian gods and goddesses. He even appealed to RSS chief Mohan Bhagwat to intervene and to save the Sanatan Dharma in the state of Himachal Pradesh. Now, this comes just days after BJP's Kangna Ranaut called Vikramaditya Chota Pappu in Manali and also denied the beef-eating allegations leveled by Vikramaditya. She even called him a liar and a paltura. Jo aaj ek prahar सनातन धर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर कर रही है, लगातार हमारे देवी देवताओं का तिरस्कार कर रही है, लगातार हमारे सनातन धर्म का तिरस्कार कर रही है, उस पे भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। जिस खान पीन से हम दूर दूर तक सनातन धर्म का कोई रिश्ता नहीं है, उसको इनके प्रत्याशी जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे पर भाजपा ने तो अपने मुँह पर टेप लगा दी है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका संज्ञान लेगा और सभी आरएसएस के संघ परिवार के साथियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हिमाचल में सनातन धर्म को बचाना बहुत आवश्यक है। के बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू।